सो दोस्तों, आज हम फिर से अपने किचन गार्डन में, और बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं, कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आइए अभी देखते हैं कौन सी यहाँ पे सब्जियां फ्रूट्स लगे हुए हैं और कितने कितने लगे हुए हैं और कितने आने वाले टाइम में और लगेंगे। नए फ्रूट्स के पेड़ लगाए हैं वो भी देखते हैं, पुराने जो लगे हैं उनको भी देखते हैं। आइए देखते हैं फिर। ये हमारा नींबू का पेड़ है और इसके ऊपर तकरीबन 60-70 नींबू अभी लगे हुए हैं, ज़्यादा ही होंगे। और ये हमारे मम्मी जी ने लगाया हुआ है। क्यों मम्मी जी, इसको क्या बोलते हैं नींबू को? कागजी नींबू। ये कागजी नींबू है जो गर्मियों में बहुत मशहूर होता है। ठीक है, ठीक है। जिसकी शिकंजवी बनती है, ये शिकंजवी वाला कागजी नींबू है और ये लगा हुआ है। इसके साथ ही अभी ये देखेंगे, ये मिर्चें लगी हुई हैं। ये जो मिर्चें, ये काली मिर्च है और ये पहले हरी होती है, हरी से ये काली होती है और काली के बाद ऐसे ये ऑरेंज हो जाती है। और ये बहुत तीखी होती है, तीखी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा तेज होती है। मेरे जैसे ही पता चल जाता है कुछ खाया। और ये हमारा आम का पेड़ है। ये आम का पेड़ की कितनी उम्र होगी अभी? डेढ़ साल, एक साल, एक साल। ये एक साल का है ये आम का पेड़ और इसको अब काफ़ी बड़ा है और अभी इसको एक साल और लगेगा ग्राफ्टिंग वगैरह करके, फिर इसके ऊपर आम आने शुरू हो जाएंगे। एक साल के बाद आ जाएंगे, एक साल के बाद ग्राफ्टिंग होगी। तो ये आम का पेड़ है, उम्मीद करते हैं एक साल के बाद इस पे आम के फल आएंगे। और ये है पालक, पालक लगी हुई है हमारे यहाँ पे, काफ़ी सारी पालक है। और इसको क्या बोलते हैं, देसी पालक है ये? ये देसी पालक है। यहाँ पे दो तरह की पालक है, एक तो है देसी पालक और दूसरी जापानी। ये जापानी पालक है, आपको दिखाते हैं अभी, ये वाली, ये है जापानी पालक। इसमें फ़र्क क्या है बेसिकली? वाटर लीव्स ही कहते हैं, इसमें पानी बहुत होता है। जो जापानी पालक है उसमें पानी काफ़ी होता है। और ये भी एक मिर्च का जो पौधा है और इस पर भी काफ़ी सारी, जैसे आप सब देख सकते हो कि काफ़ी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। और इसके साथ ये एक और आम का पेड़ है, ये भी छोटा है, इसको कुछ ही मंथ हुए हैं, ये भी धीरे धीरे बड़ा होगा जैसे कि दूसरा पेड़ है। ये सारे टमाटर के पौधे हैं और अभी ये काफ़ी छोटे हैं, इन पे कुछ समय के बाद, दो तीन महीने बाद, एक महीने के बाद इस पे टमाटर आने लग जाएंगे। हमने पुरानी वीडियोस में भी आपको दिखाया था कि जब टमाटर लगे हुए थे, तो अभी उन्हीं के ये साथ वाले हैं, तो अभी काफ़ी छोटे हैं, थोड़े टाइम के बाद ये बड़े होंगे तो इन पे टमाटर आने लग जाएंगे। और ये है मेथी, मेथी के परौंठे बहुत स्वाद लगते हैं, सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। ये सारी हमारी मम्मी जी की मेहनत है। मम्मी जी, आपने इतने पौधे लगाए हैं, कैसा महसूस होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे ये एक प्लॉट लेकर दे दिया था तो मैं वहाँ पर खेती कर रही हूँ। सही, तो मुझे बहुत खुशी होती है, एक तो टाइम पास हो जाता है तो दूसरा घर की सब्जी ऑर्गेनिक, कोई भी खाद बाजार से लेकर नहीं डालते हम। ये तुलसी का प्लांट है और इसके साथ ही ये मोगरा है, इधर भी एक तुलसी का प्लांट है, ये देखिए ये तुलसी माता। ये भी सारी तुलसी है। यहाँ पे हमने चिड़ियों के लिए भी खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई चिड़िया आती रहती है, कबूतर भी आते हैं, कौवे भी आते हैं। और ये देखिए, एकदम से कोई आता है ये डर के उड़ जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम होते हैं तो ये नहीं डरती, क्योंकि इन्हें पता है कि हम घर वाले ही बंदे हैं। ये देखिए, ओ गई, ये बैठी है। ये चिड़िया यहीं पे रहती हैं, काफ़ी सारी चिड़िया हैं यहाँ पे, कबूतर भी रहते हैं यहाँ पे, कौवे भी आते हैं, और हाँ पैरट भी आते हैं, गिलहरी भी होती है, और चूहे भी घूमते हैं, उन्हें हम पकड़ के छोड़ के आते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, ये कबूतर हुए, शार्क्स हुए, चिड़िया हुई, यहाँ पे घूमते रहते हैं। एक्चुअली यहीं पे रहते हैं ये ना, इधर बीच में घोंसला भी बनाया हुआ है और उसमें भी, घोंसलों में रहते हैं और साथ में आसपास जहाँ भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेली सैर करने ज़रूर आते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा किचन गार्डन जो है वो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।